आज हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 12th चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज 9.3। वीडियो का ये पार्ट 7 है। तो हम आज एक्सरसाइज 9.3 को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो AST चैनल को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का ये पार्ट आपका 7 है। इस पर पार्ट 6 में हम ये पढ़ा था कि कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन में आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करते हैं, क्या क्या करते हैं। जो भी हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो, क्वेश्चन में उसको आप डेरिवेटिव करिए। डेरिवेटिव करने के बाद आप ट्राई करिए कि उसमें जो आर्बिट्री कांस्टेंट से इस क्वेश्चन देखिए ए और बी आर्बिट्री कांस्टेंट है, इसको फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम डेरिवेटिव करके आप रिमूव करने का प्रयास करें, ठीक है। तो वीडियो का जो पार्ट 6 है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पार्ट 6-5 आपको मिल जाएगा, वहां से आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, x/a y + y/b = 1, इसको हमें डिफ्रेंशिएट करके एलिमिनेट करना है ए और बी को। तो जैसे सबसे पहले चलती है, स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं यहाँ पर पहले डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो डेरिवेटिव करिए, यहां से x का क्या हो जाएगा आपका 1 होगा, 1/a, और यहां पर देखिए 1/b जो है आपका कांस्टेंट है, और y का क्या होता है d/dx होता है। यहां से राइट हैंड साइड में 1 का 0 हो गया, ठीक है। अभी भी आप देख सकते हैं कि इसमें a और b इंक्लूड है, रिमूव होने के कोई चांसेस नहीं है। इसको लिख सकते हैं y' हम d/dx को लिख सकते हैं y'। उसके बाद क्या करेंगे, आप अगेन डेरिवेटिव करिए, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। दोबारा हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां से 1/a कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं तो ये 0, और 1/b ये हो आपका कांस्टेंट है, y' का क्या हो जाएगा y" = 0। तो यहां से ये इंप्लाई करेगा आपका y" = 0, b को इधर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। हेंस व्हिच इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व इज y" = 0। तो व्हिच यहां से एक लाइन और लिख सकते हैं आप, हेंस द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व इज क्या आया था हमारा y" = 0, ठीक है। तो इस तरह से आप यहां से इसको रिमूव कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हमारा रिमूव हो गया था, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा जा रहा है, तो इस से पहला क्वेश्चन आपका हो गया कुछ नहीं किया आंसर डिफरेंशिएट के तौर पर y" = 0, ये हमारे रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन क्या है, कर्व जो गिवन है y² = ab² - x². अब आपको इसको डिफरेंशिएट करके एलिमिनेट करना है किसको, ए और बी को। जैसे आप करो, जो कोई जरूरी नहीं जो मैं ये कर रहा हूँ वैसे ही हो सकता है आप इससे और बेटर कर लो। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमने ये y² का 2y, y का d/dx, ये b² का यहाँ पर 0 हो जाएगा, x² का -2x। अभी भी देखिए ये 2 से डिवाइड कर ली, अभी भी यहाँ पर एलिमिनेट नहीं हुआ, ये यहाँ पर बच गया। तो यानी इसका मतलब ये अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके। यहाँ से करने के बाद आप करोगे तो यहाँ फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लगाओ, प्रोडक्ट रूल लगाओ। फर्स्ट फंक्शन y' × y का y' + सेकंड फंक्शन y है, इसका एक और डेरिवेटिव करोगे "(d)" हो जाएगा = 2x³, ये हो गया। इस तक करने के बाद क्वेश्चन नंबर 2 आपको यहाँ पर मिल गया। अब क्या करिए, इसमें आप 1 से भाग दीजिए, मतलब डिवाइड 2 में आप 1 से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ लिखा 2, ये आप डिवाइड किया, देखिए ध्यान से यहाँ पर a - a में आपने डिवाइड किया -ax से,
तो डिवाइड करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए से कैंसिल होगा आपका, तो आपका ये विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व। यहाँ एक लाइन आप लिख सकते हैं, विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व दिस। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका टू हो गया। ठीक है, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री। हमारा क्या कर रहा है, क्या पूछा जा रहा है? ओके, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री में कह रहा है वाई इज इक्वल टू ए के पावर थ्री एक्स प्लस बी ई के पावर माइनस टू एक्स। ठीक है, इसको आपको डिफरेंशिएट करके एलिमिनेट करना है ए और बी को। ठीक है, तो सबसे पहले आप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो हमने डिफरेंशिएट किया ई के पावर एक्स का, ये आपको सिंपली पता ही है कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, ई के पावर एक्स का ई पावर एक्स होता है। ठीक है, टू मानोगे तो थ्री आगे आएगा, करने अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो फिर से थ्री आगे आएगा तो नाइन हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टू हो गया। अब देखिए हमें क्या करना है, क्वेश्चन वन में मल्टीप्लाई करिए टू से और एड करिए टू को। देखिए हमने यहाँ पर टू मल्टीप्लाई किया, लिखा यहाँ पर इसमें टू मल्टीप्लाई, इसमें एड कर दिया टू को वन से, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड का एड कर लिया। अब टू से मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ लिखा, देखिए लिखा यहाँ पर, उसके बाद हमने ऐड किया है इसको ताकि ये कैंसिल हो जाए हमारा। ठीक है, अब तीन और दो को आप जोड़ेंगे तो फाइव ए के पावर थ्री एक्स आएगा। अब इससे आप ए के पावर एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए ताकि हम यहाँ पर रख दें और हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन जो कन्वर्ट हो जाए ये बिना आर्बिट्री कांस्टेंट के। अब देखिए आगे क्या करना है, अब सिंपल यहाँ तीन से मल्टीप्लाई करिए और घटा दीजिए, आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए टू से। ठीक है, तो चलिए तीन से मल्टीप्लाई किया, यहाँ लिखा सब्ट्रैक्ट किया यहाँ से, ठीक तीन से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर आपका आया थ्री ई ए ई के पावर थ्री एक्स प्लस थ्री बी ई के पावर माइनस टू एक्स। सब्ट्रैक्ट करना यहाँ से तो साइन चेंज होगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका ये कैंसिल हो जाएगा, बच गया तीन और दो पाँच बी, यानी इसकी वैल्यू हमने भी निकाल ली। निकालने के बाद हम ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे, पुटिंग द वैल्यू बी के पावर टू एक्स एंड ए के पावर थ्री एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। चलिए पुट कर देते हैं, क्या आया था वैल्यू उसकी हमारी, टू वाई प्लस वाई डैश डिवाइड बाई फाइव प्लस बी की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, देखिए यहाँ पर थ्री वाई माइनस वाई डैश डिवाइड बाई फाइव। ओके, तो यहाँ से आने के बाद आप इसका एलसीएम ले लीजिए, लेने के बाद आपको रिक्वायर्ड ये आंसर हो जाएगा। आप इक्वेशन वन में ना पुट करके चाहें तो आप इक्वेशन नंबर थर्ड में भी पुट कर सकते हैं, उससे और आसानी से हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा। इक्वेशन थर्ड हमारा क्या था, एक बार वैल्यू लिख लेते हैं, ए के पावर थ्री एक्स की वैल्यू क्या आई थी, टू वाई प्लस वाई डैश डिवाइड बाई फाइव, और इक्वेशन थर्ड हमारा क्या था, वाई डबल डैश नाइन ए के पावर थ्री एक्स प्लस, ठीक है, फोर बी के पावर माइनस टू एक्स। अब ये दोनों वैल्यू आप यहाँ पुट करिए, नाइन इंटू टू वाई प्लस वाई डैश डिवाइड बाई फाइव प्लस फोर थ्री वाई माइनस वाई डैश डिवाइड बाई फाइव। ठीक है, तो यहाँ से पुट करने के बाद आप मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई करिए इसमें नाइन से, एटीन वाई प्लस नाइन वाई डैश प्लस ट्वेल्व वाई माइनस फोर वाई डैश डिवाइड पर क्या आएगा, ओवरऑल फाइव आएगा। ओके, अब ऐड कर सकते हैं वाई वाले को, वाई के साथ ऐड करोगे तो थर्टी वाई प्लस नाइन को घटा देंगे यहाँ से तो फाइव वाई डैश
डिवाइड बाय 5। ओके, अब यहां से क्या करना है आपको, डिवाइड कर दीजिए 5 से। जब डिवाइड करेंगे तो y डबल डैश इक्वल टू 6y प्लस y डैश, कन्वर्ट हो गया हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन में, कन्वर्ट हो गया y डबल डैश माइनस y डैश माइनस 6y इक्वल टू 0। ये हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, y डबल डैश माइनस y डैश प्लस माइनस 6y इक्वल टू 0, विच इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में y इक्वल टू e का पावर 2x a प्लस bx, फर्स्ट करिए डिफरेंशिएट करिए y डैश 2 e का पावर 2x a प्लस bx, इसको फर्स्ट सेकंड फंक्शन प्रोडक्ट रूल लगाइए, इसको फर्स्ट फंक्शन माना, सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव किया, सेकंड में डेरिवेटिव छोड़ा, इसका जब डेरिवेटिव करोगे यार तो a का 0 b का और x का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ e का पावर 2x दोनों में कॉमन लीजिए तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आपका बचेगा। अब क्या करना है, इक्वेशन 1 में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और घटा दीजिए 2 से, यानी मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 देन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2। तो यहां से देखिए 2 माइनस 1 करना है आपको, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, यहां पर इसको यहां पर लिख दिए, 2 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये देखिए 2a 2bx। ओके, अब कुछ इसमें से आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल ये हो सकता है, आप देख सकते हैं ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और आपका ये भी कैंसिल हो सकता है, ये वाला भी पार्ट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये वाला केवल। ठीक है, तो यहां से अब क्या करना है, अगेन डेरिवेटिव करिए, तो वाई का वाई डैश का डबल डैश इसका वाई डैश और 2 आ जाएगा आपके यहाँ पे वाई बी का पावर 2x। अब क्या करना है आपको, 4 में 2 से डिवाइड कर दीजिए, 4 इक्वेशन कौन सा है और उसमें 3 से डिवाइड कर दीजिए, 4 डिवाइड बाई 3 तो 2 बी के पावर 2x डिवाइड बाई बी के पावर 2x। ओके, अब ये जब डिवाइड होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, बच गया आपका 2, तो यहां से कुछ इस तरह से आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई थोड़ा कर लेते हैं, और क्या आएगा सिंप्लीफाई करने के बाद, y डबल डैश को एक साथ कर लीजिए और y डैश को एक साथ y डबल डैश माइनस 4 y डैश प्लस 4 y इक्वल टू 0। ये हमारा रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपका। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।